कर दे ऑन कर दे ऑन कर दे लेते कोई हेलो ना को السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل ذكر صدر الجلسة दोस्तों नमाज खुदा तआला का आका मन में सबसे बड़ा हुक्म है। सारे आका जब दुनिया में उतरे हैं, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने आपको सातों आसमान पर बुलाकर कीमती नमाज तोहफा अता फरमाई। कुरान और हदीस में नमाज की बड़ी फजीलत आई है। बुजुर्ग और दोस्तों नमाज की हकीकत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और औलिया अल्लाह ने जाना था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी लाडली बेटी थी, एक दिन ईशान की नमाज के बाद दो रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए नमाज की नीयत बांधी। जब दो रकात मुकम्मल करके सलाम फेरा तो सुबह की अजान हो रही थी। दुआ करते करते अल्लाह से यूं अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, तेरी रात भी कितनी छोटी रात है जो सिर्फ दो रकात में खत्म हो गई। अंदाज़ा लगाइए नमाज में कितना दिल लगता था होगा और अंदाज़ा लगाइए कि नमाज में कितना मज़ा आता था होगा। बुजुर्ग और दोस्तों इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे। लोगों ने शोर मचाया कि घर में आग लग गई है, मगर हज़रत की नमाज में ज़र्रा बराबर भी फर्क ना आया। जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने पूछा, हज़रत आपको तो नहीं पता है कि चारों तरफ आग लग गई है। लोगों ने आवाज़ लगाया तो हज़रत ने फरमाया, आए लोगों, जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से काफ़ी रखा। बुजुर्ग और दोस्तों कैसी जानदार नमाज थी होगी, अल्लाह से दुआ करें कि ऐसी नमाज हमें नसीब फरमाए, आमीन। एक रिवायत में आया है, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुकून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया उसने नमाज को डाल दिया। बुजुर्ग नमाज हर बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज का छोड़ना मुसलमानों की शान के खिलाफ है। फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की शान है, नमाज शैतान को दूर करती है, नमाज मुसलमानों की पहचान है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज रहमान के करीब करती है। बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर बड़े बड़े वादे फरमाए हैं। नमाज एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। दुनिया की ज़िंदगी में चैन सुकून राहत व आराम नसीब होता है, और इसके अलावा कुरान व हदीस में नमाज की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह से दुआ करें कि हम तमाम को सच्चा और पक्का वक्त का नमाजी बनाएं, सारे उम्र के बच्चे बच्चे को नमाजी बनाएं, आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी हिम्मत के साथ।